अरदास की और जेड़े श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो हिसाब मंग रहे सन इंसाफ मंग रही सिख संगत जिन्हां नूं इन्हां नरैणू कोड़मिया ने वड्या फटिया मारिया कुटिया तिन्हां दी सेहत जाबी की अरदास की गई। 328 सरूप महाराज जी दे किथे ने दोषी कौन है हुण तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं ये सब कुछ दे इंसाफ वास्ते पंथक होके दी अरदास की गई जेड़ा मोर्चा सिंघां ने लाया सी जिसनों श्रोमणी कमेटी ते काबज नरैणू महंता वालों तारपीड़ किया गया उसे दी ही तर्जमानी पंथक होके दे रूप विच की गई। अज 32 दिन हो गया अच 32वें दिन विच प्रवेश कर गए हैं और ना तो कोई श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे कान ते जूं सरकी उन्हां नरैणू महंतां दे जिहड़े कब्जा करी बैठे ते ना ही कैप्टन सरकार दे जिन्ने कदे कैप्टन साहब ने हाथ विच बाणी दी पोथी फड़ के भरे आवाम च गल कही सी साडी सरकार बनाओ गुरु ग्रंथ साहिब दे दोषी जेलां च होणगे नशा मुक्त पंजाब होगा उस पंजाब सरकार दा कोई नुमाइंदा जां पुलिस प्रशासन साढ़े तक कोई नहीं पहुंचिया हुण इन्हां दी नींद खोलण वास्ते इस संघर्ष नूं होर अगे ले जाण लई असीं कल 6 दसंबर वाले दिन ऐतवार नूं 11 तों 3 दा इक समागम रख्या होया इसे दी सफलता लई साडी अगली रणनीति किवें दी ते किवें होऊ वो देन वास्ते असीं कल नूं सिख संगतां नूं आवाज़ दित्ती है कि वध तों वध पहुँचण तां जो अगला प्रोग्राम दिता जा सके कैप्टन सरकार दीआं अखां खोलियां जा सकण जगाया जा सके पुलिस प्रशासन नूं इधरों नरैणू कोड़मे दे सफाई वास्ते एक सिख संगतां नूं प्रोग्राम जिहड़ा दिता होया आ सिख नीति लियाओ राजनीतिक भजाओ उहदे संबंध विच कल नूं असीं वड्डा एक होका भी दिता होया कि संगतां वध तों वध पहुँचण क्योंकि 32 दिन सानूं हो गए ते असीं 32 महीने 32 साल बैठ सकते हैं साढ़े बैठण ते जिहड़ा असीं ना डरदे हैं ना झुकदे हैं ना विकदे हैं ना असीं निराशावादी हाँ पर सफलता संगत दे आया ही होनी जिहड़ा समागम रख्या होया कल दा कित्थे रख्या होया इसे ही थड़े ते रख्या होया जिथे आपां बैठे होए कि भाई साहब जी एक गल दा जवाब दिओ जिवें जथेबंदियां ने मोर्च जिहड़ा लाया सीगा बिल्कुल श्रोमणी कमेटी दे दरवाजे दे मोहरे लाया सीगा उन्होंने उत्थे मोर्चा लाउण नाल कोई फर्क नहीं पिया ते आपां ते फिर भी किलोमीटर दूर आण के बैठे हो कि इत्थों नाल उन्हां नूं फर्क पै जू कोई फर्क ते बड़ा वड्डा पै रिहा जी इत्थों जिन्नी संगत लंघ रही है रोज़ ये ना देखियो कि इत्थे थड़े ते रोज़ 200 बंदा आउंदा 400 आउंदा 50 आउंदे 500 आउंदा ये वेखो कि इस थड़े दे सामने हो रोज़ लखां दी हज़ारां दी गिणती च संगत लंघ रही है और फोटोआं भी खिंच के खड़ रहे असीं लिटरेचर वंड रहे हैं छाप के तुहानूं कापी इत्थे भी ही दे देने हैं विखा देने हैं वो बकायदा उहदे च सारा कुछ लिखिया होया वो जिहड़ा मैसेज घर घर जा रहा ना फर्क तो उसने पाना है और यही रणनीति कदे बाबा बुढ़ा साहिब जी जी उन्हां दी सीगी जदों पृथ्वी चंदा ने सरकारां नाल मेल जोल करके गुरु दी गोलक दे डाका मारिया गुरु दे तुल कवितावां रचियां गद्दियां लाइयां हरिमंदर साहिब दी नकल कीती वो सब कुछ नूं रोकण लई बाबा बुढ़ा साहिब ते भाई गुरदास भी जी भी कदे इस तरह नाकाबंदी करके बैठिया करते सन तो उन्हां दी तरह अज असीं भी बैठे हुए हैं इहदा फर्क बड़ा वड्डा पै रहा है आने वाले दिनों च वह फर्क पैना आ नहीं आप चाहते कि हूँ भी जहाँ गुरु ग्रंथ साहब के जो सरूप उन्होंने हिसाब किताब दिता जाए तो जहाँ को गुरुद्वार के कब्जे ले जाए असी चाहते नहीं हाँ हर सिख संगत की ये मंग है उस ही मंग नू असी रख्या होया पंथक होके दे रूप विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दोषी कौन ने श्रोमणी कमेटी ते काबजे नरैणू कोड़मा दसे उन्हां दी सूची जारी करे गुरु ग्रंथ साहिब जी किथे ने दसण ते पंजाब सरकार पुलिस प्रशासन एक क्राइम केस है अपराध है बड़ा वड्डा सुप्रीम कोर्ट अनुसार इसलिए इन्हां ते कार्रवाई करे असी यही चाहुंदे आ ते हर सिख चाहुंदा सन भाई बलदेव सिंह जी वडाला पिछले लंबे समय तो सिख जथेबंदियां और सारे जो भी नानक नाम लेवा सिख ने वो मोर्चा ला के बैठे ने
तो इन्हां वल्लों पंथक होका है पूरे नानक नाम लेवा संगतां नूं एक नवाणे जे सिखां वल्लों होका है कि सारे जने वहीरां घत्त के आओ ता जो इन्हां कोलों जिहड़ा इंसाफ लिया जा सके। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।